यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग, आपका स्वागत है ब्लॉग विद ब्रो एंड सिस में। तो आज की इस वीडियो में हम जाने वाले हैं गणेश विसर्जन करने के लिए। और आई नो आप सब सोच रहे होंगे गणेश पूजा कब का स्टार्ट हो चुका था, और अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि भाई थोड़ा प्रॉब्लम था, मेरा और मेरा जो भाई है उन सबका एग्जाम चल रहा था, इसकी वजह से वीडियो बहुत ज़्यादा डिले हो गया। आई एम सॉरी भाई, अब से ऐसा नहीं होगा। हर मैं आपको एक टाइम बता देता हूँ, उस दिन वीडियो आएगा ही आएगा। जैसे कि आज वीडियो बनाया, कल नहीं आएगा, परसों जरूर आएगा भाई ऐसे करके। तो भाई अभी तो मैं तुम लोगों को पहले ये सारी चीज़ बता देता हूँ कि आज के टाइम में हम करने क्या वाले हैं। पहले तो आज है गणेश विसर्जन, तो हम जाने वाले हैं गणेश जी को विसर्जित करने, वो भी हमारे यहाँ पर जो बोएगांव है। बोएगांव के कहाँ पर आती, अच्छा आई लव बोएगांव पे, वहाँ पर मैं आपको पहले वहाँ पर लेके जाने वाला था, लेकिन अभी गणेश विसर्जन के लिए उधर जा रहे, तो उधर आपको आई लव बोएगांव भी दिखा दूंगा और क्या कहते हैं गणेश विसर्जन भी कर देंगे। यानी कि दो काम एक साथ हो रहे हैं। सॉरी भाई थोड़ा अटक अटक से हो रहा है, तो पहले चलता हूँ और आप सबको दिखाता हूँ कि हमारे यहाँ पर कितना बढ़िया से गणेश पूजा हो रहा है। सो गाइस, यहाँ पर मैं ऊपर जा रहा हूँ क्योंकि हमारे घर में भी गणेश पूजा हो रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ पूरा सेट, हमने जैसे पूरा मंडप टाइप का पूरा सेट करके रखा हुआ है। यहाँ पर निकिता दीदी पूजा कर रही है और ये रहा हमारे घर का गणेश पूजा। हमने रिंग लाइट वन लाइट सब लगा दिया है भाई। कॉमेंट में बताओ भाई कैसा लग रहा है। तो गाइस कैसा लगा सब कमेंट में बताना, और क्या कहते हैं ऐसी वीडियो हमेशा है इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी बारी आती है जो हमारे मोहल्ले में जो बड़ा वाला गणेश पूजा हो रहा है उसकी मूर्ति को दिखाने का, तो चलिए अभी चलते हैं। मैं अभी समय बाहर आ चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ गणेश पंडाल में, और यहाँ पर मेरी दीदी भी है। दीदी हाय बोल दो। तो जल्दी जल्दी चलते हैं। यहाँ पर देख ही सकते हो बड़े पापा, हमारी दीदी मोहिदा और सभी हैं यहाँ पर, देख ही सकते हो भाई। ये हो रहा है हमारे मोहल्ले का पूजा, यहाँ पर देख ही सकते हो सारे लोग पूजा भी कर रहे हैं भाई। मूर्ति कैसा लगा तुम लोग बता देना तुम लोग। और ये मेरा भाई है, कौन है? हेलो भाई, कैसे हो? कोई नहीं है तो वीडियो हो रहा है, एक काम करो, हाय बोल दो। हाय। ये हमारी चांदा दीदी है, फोटो खींचा रही है। और ये मेरा भांजा है, ओए भांजे आल भाई, बहुत क्यूट है ना। और दीदी पूजा कर रही है, और यहाँ पर देख ही सकते हो बहुत ज्यादा भीड़ वाला माहौल है। अब डायरेक्टली घर चलते हैं क्योंकि हो गया भाई। एक चीज तो मैंने दिखाया नहीं, ये मेरा दोस्त है रजत यार, हाय तो बोल दे यार। अरे यार भुला, रजत भूल गया है, बताओ यार, वो इतना शर्मा रहा है। चलो बाहर चलते अब। तो ओके गाइस, इतना तक ही था अभी, और अभी मुझे बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है क्योंकि अभी गणेश विसर्जन के लिए बहुत अच्छे कपड़े भी पहनने पड़ेंगे ना, इसलिए वैसे भी गंदे तो होने वाले, क्योंकि तुम सबको पता है जब गणेश विसर्जन करने जाते हैं तो हमेशा हम गुलाल गुलाल सब उड़ता है। इसलिए अब डायरेक्टली मैं आप तुम लोग को उस समय डायरेक्टली उस समय मिलूंगा जब हम गणेश विसर्जन करने जाएंगे। तो बाय बूम गाइस, यहाँ पर देख सकते हो मैं पूरी तरह रेडी हो चुका हूँ, और क्या कहते हैं जो हमारे घर का जो पूजा हो रहा था गणेश भगवान का, वो नीचे जो मूर्ति है वो नीचे जा चुका है। सॉरी भाई उसका वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि दीदी बोल रही है जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। मतलब हुआ क्या था कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था, इसकी वजह से मतलब मैं वीडियो नहीं बना पाया। अभी भी बहुत जल्दबाजी लगी हुई है तुम देख ही सकते हो, और यहाँ पर आरती भी जा रही है तो मुझे भी जाना पड़ेगा जल्दी जल्दी। ओके गाइस, यहाँ पर तुम लोग देख ही सकते हो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है, सामने दीदी और आरती जा रहे हैं, और यहाँ पर देख सकते हो लाइटिंग वाइटिंग सब कुछ हो रहा है। आगे चलते हैं और जाते देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ लग चुकी है, और बड़ी मम्मी, मेरी मम्मी, और क्या कहते हैं निकिता दीदी भी इधर है। ओके गाइस, यहाँ पर बड़े भैया भी आ चुके हैं, बड़े पापा भी हैं, तो जल्दी जल्दी हमें जाना है।
बहुत किया भाई, बहुत ज्यादा डांस किया भाई, मैंने भी किया लेकिन वीडियो नहीं कर पाया क्योंकि हर में वीडियो कर के साथ डांस नहीं करता तो शायद मोबाइल चूज करता था इसलिए। ओके गाइस आगे चलते और इसका समय आ चुका है, भैया ने बोल दिया भाई डिस्कशन का समय आ चुका है तो भाई डायरेक्ट उधर चल के। ओके गाइस हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं आई लव बुआएगा और यहाँ पर देख सकते हो गाड़ी अंदर जा रही है अभी और इधर पे हमें विसर्जन करना है गाइस आराम से यार। आशा करता हूँ आप सबको ब्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाना और कमेंट में गणपति बप्पा मौर्या लिखना और बताना कि तुम लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो ओके बाय गाइस।